Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EBS in standard 3. So let's start. Kids, last time हमने chapter number 22 जो है वो हमारा complete कर लिया था. I hope सभी बच्चों ने अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से complete कर ही दिया होगा वीडियो में देख देख के. सो आज हम पेज नंबर 159 से और न्यू चैप्टर 23 ब्यूटीफुल क्लोथ्स वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो चैप्टर है वो क्लोथ्स के बारे में है कि क्लोथ्स कैसे है, ब्यूटीफुल है, किस तरह से बनाए जाते हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. साजिदा इज़ अ स्मॉल गर्ल. साजिदा एक छोटी लड़की है. शी हैज़ वन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन है. वो गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा, जिसने उसे बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया है. दुपट्टा यानी कि ओढ़नी जो मम्मी जो है यूजुअली ड्रेसेस पे यूज़ करती हैं. इट हैड ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन इट. एम्ब्रॉयडरी वर्क है और उसके ऊपर मिरर वर्क भी है. एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि आपको पता होता है कि वो धागे से कुछ वर्क किया होता है उसे एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं. और मिरर वर्क यानी कि उसके ऊपर सर्कल शेप के या फिर स्क्वायर शेप के जो मिरर होते हैं, कांच होते हैं, वो यहाँ पे धागे से उन्हें यहाँ पे लगाया जाता है और कुछ ना कुछ उस पर भी वर्क किया जाता है, तो उसे मिरर वर्क बोलते हैं. ओके, तो दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी वर्क और मिरर वर्क था. आफ्टर फिनिशिंग डिनर, डिनर करने के बाद साजिदा ट्राई टू वियर दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. कि साजिदा ने ट्राई किया ये दुपट्टा पहनने का इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीकों से. सून शी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा, और जल्द ही वो है टायर्ड हो गई, मतलब थक गई वो दुपट्टे से खेलते खेलते. एंड फेल अस्लीप, अस्लीप मतलब सो जाना, और सो गई. वियरिंग इट, पहन के वो सो गई. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम, कि वो जो ड्रीम देख रही है, सपना देख रही है, उसमें भी किसके बारे में सोच रही है, दुपट्टे के बारे में ही सोच रही है. हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड, कि ये इतना ब्यूटीफुल दुपट्टा है वो कैसे बनाया गया होगा, इसके बारे में ये सोच रही है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ वॉज साजिदास दुपट्टा मेड, कि साजिदा का दुपट्टा जो है वो कैसे बनाया होगा. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में वीडियो में देख देख के. आंसर इज दैट साजिदास दुपट्टा इज मेड ऑफ क्लोथ. साजिदा का दुपट्टा जो है वो कपड़े से बना हुआ है, मेड ऑफ क्लोथ, कपड़े से बना हुआ है. विच इज़ वुवेन आइदर बाय वीवर्स और बाय अ मशीन, कि जिसको वुवेन किया गया है किसके द्वारा, वीवर्स के द्वारा, अदरवाइज मशीन के द्वारा. वीवर्स यानी कि कोई व्यक्ति कि जिसको अपने हाथ से कुछ काम करना आता है उसे वीवर्स बोलते. धागे का वर्क करता है वो अपने हाथ से, इट इज़ कॉल्ड वीवर्स. और अदरवाइज एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो मशीन से भी होता है, तो दोनों से हो सकता है, कि वीवर्स के द्वारा भी हो सकता है, अदरवाइज मशीन के द्वारा भी. तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है कि साजिदास दुपट्टा इज मेड ऑफ क्लोथ विच इज वुवेन आइदर बाय वीवर्स और बाय अ मशीन. ओके, उसके बाद है यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ ऑन स्टिच क्लोथ्स, ड्रेप इट डिफरेंट वेज. कि आपको एक दुपट्टा लेना है, अदरवाइज कोई कपड़े का लॉन्ग पीस लेना है, और उसे क्या करना है, ड्रैप इट डिफरेंट वेज, और आपको उसे अलग अलग तरीके से ड्रैप करने की कोशिश करनी है, पहनने की. इन हाउ मेनी वेज कुड यू वियर इट, और आप कितने तरीकों से उसे पहन सकते हैं, तो ये जो है वो आपको देखना है और प्रैक्टिकल करना है. ओके, उसके बाद है पेज नंबर 160 पे लिखा है, Did anyone wear it like a लुंगी or use it as a turban? क्या आपने उस दुपट्टे को आपने कभी भी लुंगी की तरह पहना है, या फिर टर्बन, टर्बन यानी कि पगड़ी जो जो सिर पे बांधी जाते हैं, तो आपने कभी टर्बन की तरह पहना हुआ है? In what other ways the cloth worn, और कौन से तरीकों से आपने उस कपड़े को पहना है, वो यहाँ पे आपको लिखना है. Look for any clothes in your house. What different do you find in the structure, its color and design? Note it down. कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं. ओके, तो यहाँ पे उस कपड़े का नाम लिखना है, उसका टेक्सचर कैसा है, यानी कि कॉटन का कपड़ा है, रेयन का है,
ओके, तो उसका टेक्सचर लिखना है, उसका कलर और उसके डिज़ाइन के बारे में आपको लिखना है। आपके पास तो बहुत सारे क्लोथ्स होंगे ही, तो अपना क्लोथ देख के या फिर उसका टेक्सचर आपको पता नहीं चल रहा है, या तो अदरवाइज आप अपने मम्मी पापा का पापा को भी पूछ सकते हो कि इसका टेक्सचर कैसा है, कॉटन है, रेयन है, सिल्क है। ओके, तो ये टेबल आपको फिलअप करना है होमवर्क में। और यहाँ पे हमें पेज नंबर 161 पे दो एक्टिविटीज़ दी गई है। फर्स्ट है वीविंग पेपर, तो पेपर को कैसे वीविंग करना है, तो टू पेपर्स को ऐसे ऐसे कटिंग करनी है और दूसरे पेपर को ऐसे कटिंग करनी है, बाद में एक को ऊपर नीचे करके ऐसे डिज़ाइन बनानी है और उसको बाद में फोल्ड कर दे, चारों ओर फोल्ड करके ये किनारे से आपको ये बंद कर देना है। तो आपको ये चेस बोर्ड की तरह दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये जो प्ले है वो आपको घर पे करना है। उसके बाद है यहाँ पे ओकरा है, वो यानी कि भिंडी के आपको अलग अलग कलर्स के यहाँ पे पेंट किए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऐसे डिज़ाइन बनानी है। ओके, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल क्लोथ्स के बारे में पढ़ा और यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन दी गई है, जैसे हम कपड़ों पे बनाते हैं, ओके, प्रिंटिंग ऑन अ क्लोथ्स। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया गया है, तो आपको अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की प्रिंट बनानी है कलर से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।